मेदिनीनगर सदर प्रखंड के दुबियाखाड़ में दो दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेला का किया गया आयोजन। पिछले कई वर्षों से लगता आ रहा है आदिवासी कुंभ मेला। 11 फरवरी और 12 फरवरी दो दिन चलेगी आदिवासी कुंभ मेला। मेला का उद्घाटन झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज मेदिनीनगर राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर इंद्र सिंह नामधारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, प्लामो उपायुक्त ए दोंडे, एसपी चंदन सिन्हा, डीडीसी रवि आनंद समेत जिले के सभी अधिकारी और कई गणमान्य लोग हुए उपस्थित। वहीं मेले में सरकारी विभाग के कई स्टॉल लगाए गए, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। मेला आयोजित हुआ है, राजकीय बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये भैया 30 वर्षों से राजा मेदिनीनगर जो पापी राजा के रूप में जाने जाते थे और इनका साम्राज्य जैसे पलामू ही नहीं और फिर जो जिले हैं हजारीबाग छपरा वगैरह में इनका साम्राज्य फैला हुआ था और ये जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। इनके स्मृति में विगत 30 वर्षों से ये मेला आयोजित किया जा रहा है और लेकिन इस मेले को सरकारी स्वरूप इस बार मिला है 2023 में और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना का मैं कद्र करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के पलामू प्रमंडल के आदिवासियों की भावनाओं का कद्र करते हुए और मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस मेला को राजकीय मेला घोषित करने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और ये यहाँ पलामू प्रमंडल के आदिवासियों के लिए ये मेला जो राजकीय मेला के रूप में इस बार शुरू हुआ है ये इनके विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इस मेले को संचालित करने की। अभी आप देख रहे जिला प्रशासन के स्टॉल लगाए गए हैं जिससे यहाँ के हमारे ग्रामीण जनता अपनी अपने आवेदन दे सकेंगे और लाभ ले सकेंगे और कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री की है कि हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक खास करके यहाँ के आदिवासियों यहाँ के मूलवासियों तक उनका उनका हक अधिकार पहुँचा सके, हम आधारभूत संरचनाओं को हम विकसित कर सके तो ये मेला उसमें बहुत काफी सहयोगी साबित होगा।